दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बता दूं आपको कि आपके गार्डन में बहुत ऐसे पौधे होते होंगे जो अचानक सूख जाते होंगे और उसको आप कैसे बचाएंगे। दोस्तों मैं आपको कम से कम 6 से 7 ट्रिक आपको बताएंगे और इन ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो जो अचानक जो पौधा सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, बिल्कुल दोस्तों ये न स्ट्रेस में आएंगे, न सूखेंगे, न मुरझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हरे और भरे रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ट्रिक्स आपको फॉलो करना। आप ये देख रहे हैं आपके सामने ये अनार का पौधा है और अनार का पौधा है और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा था, लेकिन आप देखिए ये अचानक ही इसकी पूरी पत्तियाँ एकदम पीली पड़ गई और पीली पड़ने के बाद देखिए ये सूखने लगा। दोस्तों ये देख रहे, इसको भी देख सकते हैं आप, ये हरसिंगार का पौधा है, ये बिल्कुल सूख गया था। मैंने इसमें हल्दी और एलोवेरा का पेस्ट इसमें यूज किया था, बहुत बेहतरीन देखिए अच्छे तरीके से ये यहाँ से कल्ले निकलना शुरू हो गया है। तो ये और ये भी देख सकते हैं आप, ये स्टीविया का पौधा है और ये भी बिल्कुल सूख गया था, लेकिन मैंने इसमें कुछ फंगिसाइड का यूज किया और यूज करने में देखिए यहाँ से कल्ले निकलना ये शुरू हो गया। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें फॉलो करना है। तो सबसे जो पहला इसमें जो मेन चीज़ है कि कोई भी पौधा आपको मुरझा रहा है तो आप ये चेक कर लीजिए कि पौधा हरा है या सूख गया है। मैं बता दूं आपको कि पूरे अच्छे तरीके से सूखे हुए पौधे को कभी हरा करने की कोशिश आप मत करिएगा, नहीं तो वो बिल्कुल हरा होबे नहीं करेगा, उसमें जान नहीं रहेगा तो कैसे हरा होगा। तो चलिए हम बता दें आपको, जब सबसे पहले अगर ये पौधा है तो आप इसे नाखून से हल्का सा इस तरीके से आप स्क्रैप कर लीजिए, नाखून से इस तरह करेंगे और जब इसकी स्टेम देखिए, स्टेम देखिए इसकी हरा है, हरी स्टेम है और जब ये स्टेम यहाँ पे हरी है तो ये आप समझ जाइए कि पौधा ये जिंदा हो सकता है। दोस्तों जब ये स्टेम में सूख जाएगी तो कहाँ से ये पौधा हरा होगा। तो चलिए आपको बता दें सबसे जो पहला आपको काम क्या करना है, आपके पास अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाएगा तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इसके बारे में बताऊँ आपको कि मार्केट में आपको 3% और 6% दो तरीके से आपको मिलता है, तो आप दोनों में से कोई भी लेके यूज करिए। कैसे यूज करना है, यूज करने का तरीका है, आप ले लीजिए 1 लीटर पानी में आपको दोस्तों अगर आपको 3% वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला है तो उसको लेना है 6 ml। मैंने ले लिया 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में 3% वाला 6 ml ये ध्यान देना है और 6% वाला आपको लेना है 3 ml। डोज का ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये मेरे पास ये 3% वाला है तो 3% वाला को हमको लेना है ये 6 ml, ये आपको ध्यान रहे। देखिए ये हो गया 6 ml। अब इसमें हमको करना क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि एक बार तो आप ट्राई कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से घोल के, और घोलने के बाद इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिएगा जड़ के पास, उसके बाद इसी लिक्विड को आप पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद 3 से 4 दिन बाद अगर आप देखिए इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है तो आप 1 सप्ताह बाद फिर दोबारा इसको आप यूज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये 10 दिन हो गया, 10 दिन में कोई उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है कि तुरंत बेहिचक पौधे को मिट्टी को निकालिएगा, निकालने के बाद जिसको रूट को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। जब उसको वॉश कर लेंगे तो आप करना क्या है कि सेम प्रोसेस वही करना, लेना है 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में आपको करना क्या है कि 3% या 6% कोई भी है, मैंने डोज आपको बता दिया, डाल दीजिए। डालने के बाद इसकी जड़ को इसमें डिप कर दीजिए, डिप करने के बाद दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद पोटिंग मिक्स बनाइए और पोटिंग मिक्स बना के मिट्टी में इसको लगा दीजिए। मैं बताऊँ आपको कि उस समय पौधा अगर सूख रहा होगा, रूट में कोई प्रॉब्लम होगी, रूट रॉट में कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा और उसका पौधा आपका हरा भरा होने लगेगा। दोस्तों दूसरा जो इसका टॉपिक है कि दूसरे तरीके से कैसे आप अपने पौधे को बचाएंगे, तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि आपको फंगिसाइड यूज करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दोस्तों आप देखते होंगे कि आपका पौधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में आता है, मुरझा जाता है, तो उस कंडीशन में दूसरे कंडीशन में आपको यूज करना है। अगर जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पौधा जो स्टीबल जो पौधा है इसमें कुछ सूख गए हैं और कुछ यहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, तो मीन्स अगर ये स्ट्रेस अवस्था में आपको महसूस हो रहा है दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप थोड़ी सी पौधे को केयर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपसे पौधा भी बात करेगा। अगर आप पौधे से अच्छे तरीके से लगाव नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे।
तो अगर आपको महसूस हो गया कि नहीं पौधा मेरा स्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में मैं बताऊँ आपको कि आप लीजिए 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में आपको करना क्या है कि ले लीजिए एप्सम साल्ट। आपको अगर एप्सम साल्ट मिल जाता है तो एप्सम साल्ट दोस्तों पौधा अगर स्ट्रेस में है तो उस कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आप ये देख रहे हैं एप्सम साल्ट, और कितना लेना है 5 से 10 ग्राम एप्सम साल्ट को आप ले लीजिए और लेके इसमें आप घोल दीजिए। दोस्तों स्ट्रेस अगर पौधा में रहता है तो एप्सम साल्ट उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट इसमें होता है, मैग्नीशियम भी और सल्फेट दोनों होता है। और इस कंडीशन में अब इस तरीके से ये जो हरसिंगार का पौधा हम इसमें डाल देते हैं, और इसको किसी भी पौधे में हम डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसका रिस्पांस आपको मिलता है। जो तीसरा ट्रिक है इसमें करना क्या दोस्तों, कि पौधे में अगर कहीं न कहीं फंगस की समस्या आती है उस समय भी पौधा आपका बिल्कुल सूखने लगता है, तो उस समय आपको करना क्या है दोस्तों, आपको फंगिसाइड का यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको 2-3 फंगिसाइड आपको बताता हूं। पहला जो फंगिसाइड आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जिसे इसे बोलते हैं आग का पत्ता, मदार बोलते हैं, कह सकते हैं आप इसे। और इसका अगर फंगिसाइड आप बनाना चाहते हैं तो मैं बता रहे हैं आप बना लीजिए। इसका फंगिसाइड इतना बेहतरीन दोस्तों इस कंडीशन के ऊपर काम करता है, अगर पौधे में रूट रॉट लगा है, उल्टा लगा है, बिल्कुल ये दोस्तों ख़त्म कर देगा। कैसे इसको बनाते हैं, बनाने का कई तरीका, मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या है कि आप इसका पत्ता ले लीजिए, पत्ता 1 केजी लेना है, 1 केजी पत्ता में 2.5 लीटर पानी आप डाल दीजिए। 2.5 लीटर पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक उसको गर्म कर दीजिए। दोस्तों जब उसे गर्म कर दें 10 से 15 मिनट तक, कम से कम इतना तक गर्म करें कि उसमें 500 ml पानी कम हो जाए, 2 लीटर पानी बच जाए 2.5 लीटर में। अब उसको ठंडा करिए, ठंडा करें उसको छान लीजिए। जब उसको छान लेंगे तो करना क्या, लेना 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में इस फंगिसाइड को 100 ml डाल के और मिट्टी में आप डाल दीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रूट रॉट पर काम करता है, उल्टा पर काम करता है, झुलसा भी, हम पत्तों के ऊपर छिड़काव भी करते हैं, झुलसा भी लगता है उसमें, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तरीका नंबर दूसरा करना क्या है कि इसको पूरे पत्ते को आप इकट्ठा करिए, जितना पत्ता आपको मिल जाए सभी पत्ते को इकट्ठा करके और उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों करना क्या, हाथों से इससे क्रैश कर लीजिए, और जब उसको क्रैश कर लेंगे तो चरनी के माध्यम से उसको आप चाल लीजिए। जो उसका पाउडर फॉर्म होगा उस पाउडर फॉर्म को आप स्टोर कर लीजिए। दोस्तों ये सालों साल इसका पाउडर फॉर्म चलेगा और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये काम करता है। कैसे उसको यूज करना है, उस पाउडर फॉर्म को आप इस तरीके से सिंपल मिट्टी की गुड़ाई करके, गुड़ाई करने के बाद उस पाउडर फॉर्म को भी डाल सकते हैं, और उस पाउडर को 1 लीटर पानी में 50 ग्राम घोल के भी डाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। और दोस्तों महीने में एक बार अगर इसको यूज करते रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ये फंगिसाइड ये काम करेगा, और उस पाउडर फॉर्म की कोई एक्सपायरी नहीं है। दोस्तों मैं अगला जो बता रहा हूँ फंगिसाइड, आप जानते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा दोस्तों अगर आप यूज करते हैं तो इसके बारे में पता होगा, ट्राइकोडर्मा भी बहुत ही बेहतरीन काम करता है आपके फंगिसाइड के लिए। दोस्तों जो मैं ट्रिक ये तीसरा बता रहा है, तीसरे में अभी ये चल रहा है, ये जो फंगिसाइड है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। 1 लीटर पानी में आप 4 से 5 ग्राम, पौधे के हिसाब से 10 ग्राम भी घोल के आप इसमें डाल सकते हैं मिट्टी में। उसके बाद दोस्तों अगर ये दोनों में से कोई भी आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से सॉफ्ट फंगिसाइड तो आप यूज करते हैं, केमिकल है, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के उसको मिट्टी में डाल दीजिए। ये उस समय भी अगर पौधा आपका सूख रहा हो, रूट में कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैं चौथे तरीके की बात कर रहा हूँ। चौथे तरीके में होता है क्या है कि एक में इसमें बारिश का समय है, और बारिश के समय में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। दोस्तों कभी क्या आपने केयर किया है कि नर्सरी वाले के पास हजारों से हजारों पौधे होते हैं, और वो कैसे बरसात के मौसम में उसे देखभाल करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि सेम ये तरीका है, करते क्या है कि अगर कभी आप देखिएगा अपने पौधे को बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश होने के बाद उसमें अचानक सी धूप आ जाती है दोस्तों, उस समय जो पौधा होता है ना, पौधा मेरा मुरझाने लगता है, और उस कंडीशन में हमारे मिट्टी में एंटीबायोटिक आपको मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एंटीबायोटिक मिक्स नहीं करते हैं तो दोस्तों होता क्या कि पौधा वो आगे चल के मुरझा जाएगा। तो करना क्या है, ये चौथी कंडीशन है, इसमें आपको करना ये है कि लेना 1 लीटर पानी। दोस्तों मैं लेता हूँ 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में आपको करना ये है कि सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास एलोवेरा की पत्ती है तो एलोवेरा की पत्ती को आप पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद दोस्तों ये ध्यान दें, पेस्ट बनाते समय इसमें पानी आपको अलग से मिक्स नहीं करना है।
तो और उसके बाद एक लीटर पानी में दो टेबल स्पून, ये आपको ध्यान दें, दो टेबल स्पून इसमें आप मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और मिक्स करना है, हल्दी का पाउडर। दोस्तों एक लीटर पानी में हल्दी का पाउडर आपको कितना मिक्स करना है, 4 से 5 ग्राम। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ आप यूज करिए तो अच्छी क्वालिटी की यूज करिए। जो हल्दी का पाउडर दोस्तों मार्केट में अगर यूज करते हैं तो थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दिया करिए, और बढ़ाने के बाद इसमें आप घोल दीजिए। दोस्तों उस कंडीशन के लिए ये जो रेमेडी है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम करता है, बहुत लाजवाब काम करेगा। इसको आप पौधे में आप डाल दीजिए, उस समय ये बहुत बेहतरीन पौधे पे आपका रिस्पांस देना शुरू हो जाएगा। जो पौधा पत्तियाँ मुरझा रही है, पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। दोस्तों उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि जो लास्ट ट्रिक है, कभी कभी दोस्तों होता है क्या कि आपके पौधे में कि मिट्टी में जान नहीं होता है। दोस्तों होता क्या कि जो आप पोटिंग मिक्स बनाते हैं उस पोटिंग मिक्स को स्ट्रांग आप नहीं बनाते हैं, और स्ट्रांग बनाते भी हैं तो कभी कभी दोस्तों होता क्या कि आपके मिट्टी में पोषक तत्व तो बहुत खूब ढेर सारा रहते हैं लेकिन हमारे पौधे को मिलता नहीं है। पौधे को दोस्तों क्यों नहीं मिलता है कि हमारे मिट्टी में बैक्टीरियों की कमी, सूक्ष्म जीवों की कमी। जब तक सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में नहीं रहेंगे तो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व तो अवेलेबल फॉर्म में रहेंगे फिर भी, और अनअवेलेबल रहेंगे क्योंकि आपके पौधे को नहीं मिलेगा। उस समय दोस्तों मैं तो आपको कि अगर आप ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड अगर आपके पास घरेलू बनाते हैं, मैं आपको इसका वीडियो बना के दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं ह्यूमिक एसिड कैसे बनाते हैं। और ह्यूमिक एसिड उस समय अपने पौधे को यूज करेंगे या जिब्रेलिक एसिड उसमें आप पौधे को यूज करेंगे तो इसका कार्य क्या है दोस्तों कि जब ये मिट्टी में जाता है तो आपके बैक्टीरियों की संख्या को मल्टीप्लाई करता है, और जब मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई के साथ साथ जो आपके मिट्टी में पोषक तत्व पड़े हैं उस पोषक तत्व को उठा के आपके पौधे को प्रोवाइड करते हैं। उस समय पौधा आपका जो मुरझा रहा है या सूख रहा है अच्छे तरीके से ग्रो करने लगता है। दोस्तों ये जो मैंने ट्रिक आपको बताया, अगर ये ट्रिक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।